अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरफात मीर और आप देख रहे हैं एज इलेक्ट्रिक। तो उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, एक जो सी है खबर जो मार्केट में बड़ी गर्दिश कर रही है, हर तरफ के फ्लेक्सिबल जो सोलर पैनल है वो आ गया है, और उसके बाद जो दूसरे सोलर हैं दूसरे टाइप के, वो उनकी जो फ्यूचर डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है। तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि जो फ्लेक्सिबल सोलर है वो है क्या। मैं आपको पूरी इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि मैंने अक्सर देखे हैं बड़े बड़े जो लोग हैं, यूट्यूबर हैं या फेसबुक पे हैं, दानिश्वर लोग हैं, सिर्फ व्यूज की खातिर वो फेक जो सी है खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि फ्लेक्सिबल सोलर इस तरह का है, इसकी ये क्वालिटी है, हालांकि उनके पास नॉलेज नहीं है। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये टेक्निकल नॉलेज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसका प्रॉपर वे के साथ आपको समझाऊंगा और बताऊंगा कि फ्लेक्सिबल सोलर जो है वो क्या चीज है और क्या वाकई ये एक नई टेक्नोलॉजी है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी किएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, फ्लेक्सिबल जो सोलर, अब जो लोग कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी है, ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है, ये पेरोवस्काइट सेल है सोलर का, जो कि तीन फार्मूले से ABX तीन का एक फार्मूला है, जो कि केमिस्ट्री जान सकते हैं क्योंकि हम तो आपको पता है इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की फील्ड से हैं, क्योंकि ये उनका काम है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों, ये सेवन बैंड्स के लाइट्स की तरह आप इसको असेंबल करते हैं, इसको बनाते हैं, जिस तरह आप दूसरे सेल को बनाते हैं सिलिकॉन से, ठीक है। और तो इसी तरह ये इसी सेल के साथ इसको लाइट्स को मिलाकर इस सेल को बनाया जाता है। तो ये आम ला तादाद में आप इसको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आम लैब के अंदर बना सकते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसमें इतने कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि सिलिकॉन जो है उसको बनाने के लिए आपको काफी एनर्जी चाहिए होती है और वो तादाद में और मकदार में भी कम है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो परसेंटेज एफिशिएंसी की है वो 55% है, और इसके अंदर आप अल्ट्रा वोल्ट को भी कर सकते हैं, इसके वोल्ट को हाई भी कर सकते हैं ज्यादा। अगर आप इसको दूसरे से कंपेयर करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप 100-150 वाट का एक जो पैनल है अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी में लेंगे तो तकरीबन वो 24 फुट उसकी जो सी लंबाई है और 2.5 फुट उसकी चौड़ाई है। तो ये इतनी जगह मैं बता दूं कि घेरता है। और दूसरी बात ये है कि ये जो पैनल है ये लगते हैं जो जगह टेरी मेरी हो, जिसकी छत ना हो, अगर आप उसको इस तरह लगा सकते हैं, जिस तरह भी इसको रोल करके आप कहीं भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि इसको इसमें लोड ज्यादा डाला जाए तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब इसको लाइट में इस्तेमाल किया गया तो इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा कम है और तकरीबन ये 2 से 3 साल निकालते हैं। अगर आप इसको दूसरे पैनल से कंपेयर करेंगे, एन टाइप से, टॉप कॉन से, जो न्यू टेक्नोलॉजी के पैनल हैं, तो ये काफी गलत बात है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी को कंपेयर करना दूसरे से ये एक नाइंसाफी है। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सेल है ये तकरीबन 2 से 3 साल इसकी लाइफ होती है, इसको पेरोवस्काइट जो है सोलर की टाइप कहते हैं। आपको दूसरी बात बताता चलूं कि सोलर के जो रेट्स हैं वो नीचे क्यों आए, दो रीजन की वजह से मैं आपको बता देता हूं। एक के जब यूरोप में आइडियाज आया कि हम सारा जो अपना प्लान है वो शिफ्ट कर देते हैं सोलर के ऊपर, और तो डीलर्स जो उनसे यूरोप के थे तो उन्होंने क्या किया कि आपको पता है कि चाइना ही जो है ज्यादा मकदार में इस टाइम सोलर पैनल बना रहा है। तो जब चाइना सोलर पैनल ज्यादा मकदार में बना रहा था तो उन्होंने यूरोप ने कॉन्टेक्ट किया चाइना के साथ। तो जब चाइना ने उनकी प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट की तो यूरोप ने जो अपना प्लान पोस्टपोन कर दिया, और उन्होंने सोचा कि हम ये पैनल क्यों ना खुद बनाए और ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आ जाए। तो जब उन्होंने प्रोडक्शन चाइना ने कर ली तो चाइना के पास ज्यादा मकदार में प्लेयर्स जो सी हैं वो संभल हो गई, तो उनके पास एक ही ऑप्शन था, तो उन्होंने फिर पाकिस्तान और दूसरे जो सी एशिया जो कंट्रीज हैं उनको हिट किया। तो इस वजह से जो सोलर के रेट है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपकी जो सप्लाई है वो ज्यादा हो जाती है तो फिर आपका रेट, जब कॉम्पिटिशन भी ज्यादा हो गया तो रेट इस वजह से सोलर का कम आ गया। और दूसरी बात यह है कि सोलर जो सा डबल ग्लास का जो प्लेट है आप जब लेते हैं कि डबल ग्लास से ये होता है कि आप दोनों तरफ से लाइट हासिल कर सकते हैं, तो वो उसका जो शीशा था वो तकरीबन 3 मिलीमीटर का होना चाहिए, 3 mm का, तो लेकिन क्या किया कि 2 mm का बना दिया, उससे भी काफी ज्यादा कंप्लेन आ गई। तो एक तो डोमेस्टिक के लिए आपको जो सा वो ज्यादा जगह घेरनी पड़ती है, तो लेकिन सोर्स कम होते हैं, जगह कम होती है, तो इसलिए आप इस तरह के जो पैनल है ये वहां पर लगा नहीं सकते।
ठीक हो गया दोस्तों। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव थोड़ी सी वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि ये जो नए नए आते हैं अपना जो भी टेक्नोलॉजी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, और ये एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इसको आप दूसरी टेक्नोलॉजी से कंपेयर ना करें। ठीक हो गया दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, देखते रहे इलेक्ट्रिक। तब तक के लिए ला